नमस्कार, ओम शांति। अन्नपूर्णा रसोई में मित्रों आपका स्वागत है। हम अन्नपूर्णा रसोई के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जानते बहुत कम हैं। रसोई में हर कोई इंसान अपने लिए कुछ ना कुछ बना लेता है। जैसे हॉस्टल में कुछ लड़के रहते हैं, कुछ लड़कियां रहती हैं, या फिर जैसे आर्मी में कोई हमारे सैनिक रहते हैं, या फिर घर में परिवार में कोई महिला ना होने के कारण वो भी अपने लिए कुछ ना कुछ बना लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि महिलाएं ही रसोई में काम करें, एक पुरुष भी उस रसोई में रहकर वो सामग्री, वो रेसिपी, वो स्वीट, जो भी आप वेजिटेबल या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉनवेज भी खाते हैं, अपने लिए बनाना हर कोई इंसान जानता है। लेकिन शेफ उसको बोलते हैं जो एक हर तरीके से प्रॉपर तरीके से बनाना जानता हो। क्या आपको भोजन अच्छी तरह से बनाना आता है? जैसे जैसे हमने चाहा वैसे वैसे उसमें सामग्री डाल के हम भोजन बना लेते हैं, परिवार को खिला भी देते हैं, लेकिन परिवार वाले ये कहते हैं इसमें नमक कम है, इसमें मिर्ची ज़्यादा है, इसमें सब्जी ज़्यादा है, आटा ऐसे गूंदा हुआ है, रोटी ऐसे मोटी है या छोटी है या पतली है, किसी भी तरह प्रकार का हम भोजन बना लेते हैं। लेकिन एक शेफ वो होता है जिसमें हर प्रकार की सामग्री को एक नाप तोल कर उस भोजन में डालता है। वही खाने में एक बार जैसे ही हम टेस्ट करते हैं तो पता लग जाता है कि ये भोजन बहुत टेस्टी है। आज इस अन्नपूर्णा रसोई में पहले की तरह हमारे जो मेहमान हैं वही हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान में 30 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। आइए, मैं उनका इस अन्नपूर्णा रसोई में स्वागत करती हूँ। भाई जी, आपका इस अन्नपूर्णा रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैंने जैसे कि अभी बात की कि हर कोई इंसान अपने अपने लिए भोजन बना लेता है, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति नाप तोल कर भोजन बनाता है, क्या वो जरूरी है कि उसको भोजन बनाने के लिए सीखना जरूरी है? ये इसलिए नाप तोल के इसलिए बनाते हैं कि जैसे हमको अगर सामग्री मंगानी है, कई आप देखते हैं कि होटलों में या कई बाहर जो भोजन बनता है तो नाप तोल के कि बाहर से वो सामग्री मंगानी पड़ती है, इसलिए नाप तोल के बनाते हैं जी। लेकिन अगर आपने पुराने जमानों में देखा होगा तो लोग ऐसे अंदाज से ही डाल देते थे जी। अगर आज भी घरों में माता है, आप देखते भोजन जब बनाती है तो उसमें कोई नाप तोल के नहीं डालेगी, वो जो भी डालेगी तो वो टेस्टी बन जाता जी, है जी। तो इसलिए कि हम लोग दर्शकों को बताने के लिए कि ये चीज इतनी चाहिए जी। ये चीज इतनी चाहिए, इसलिए इसको हम नाप तोल के ले रहे हैं जी। जैसे कि अभी मैंने ये भी बताया कि जैसे हम बाहर के जो लोग हैं उनको भोजन बनाने नहीं आता है, लेकिन वो जैसा मर्जी हो वैसा बना लेते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से उसमें भोजन? क्या होता है कि अगर व्यक्ति खुद के हाथ से बनाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसी भी टेस्ट हो जी तो वो तो अच्छा ही कहेगा। लेकिन जब दूसरे के हाथ का भोजन जब वो स्वीकार करता है तो उसमें नुक्स निकालता है, तो इसीलिए हमें इन चीजों को इसलिए ध्यान में रखना है। देखने वाले भी ये देखेंगे कि ये चीज इतने इतने मात्रा में अगर हम डालते हैं तो वो बहुत अच्छी और एक कंप्लीट परफेक्ट बन जाती है जी। तो आज आप इस अन्नपूर्णा रसोई में हमारे दर्शकों के लिए क्या रेसिपी लेकर आए हैं? आज विशेष हम एक नई डिश आपके लिए ला रहे हैं। जैसे आप लोगों ने पेठा सुना होगा, यहाँ ये दिखाया हुआ है जी। इसको काशी फल भी बोलते हैं, पेठा भी बोलते हैं, तो इसको हमने छील के कद्दूकस करके रखा हुआ था जी। तो ये पेठा है वो पीले वाला जो होता है, पीले वाला चाहिए इसमें हरा वाला नहीं, पीले वाला पका हुआ चाहिए जी, 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 जी। और भी इससे भी पका हुआ मिल जाता है, पका हुआ जितना अच्छा लेंगे उतना अच्छा है जी। दूसरा ये गेहूं का आटा है, ये घी है, ये गुड़ है और ये इलायची जी। तो हम अपने दर्शकों को इसको कैसा बनाना है इस पूड़ी को, ये बहुत आप मीठी चीज बनेगी, स्वीट बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी जी। वैसे इसका नाम क्या है? इसको पेठे की पूरी बोलते हैं। पेठे की पूरी आज नई डिश हमारे सामने आई है, इसको देखते हैं और ट्राई करते हैं कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा भूनने के लिए घी डालेंगे जी। या ये घी रखा हुआ है जी।
पहले कढ़ाई जरा गैस चालू कर दिया था इसलिए कढ़ाई ज्यादा गर्म हो गई है जी। तो दो कटोरी के लिए हमें दो तीन चम्मच घी, ज्यादा नहीं, तीन चम्मच, तीन चम्मच हमें घी डालना है जी। उसके बाद ये है पेठा जी, ये पेठे को हम इसमें डालेंगे जी। अभी हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जी। वैसे इसकी खासियत क्या है? अभी ये जो पेठा है, वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए दर्शकों के, कि पेठे की पत्ती की भी सब्जी बनती है, जो हरा अच्छा। पत्ता होता है उसकी भी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। वो तो पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं जी। दूसरा ये है कि इस पेठे के अंदर कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में होता है। अगर आपको हड्डी के लिए पनीर नहीं मिलता है, समझो आप समझते हैं कि दूध मांग रहे हैं, पनीर नहीं मिलता है, तो ये मार्केट में आपको पेठा मिलता ही है जी। और वैसे भी ये खेतों में, घरों में रखेंगे भी तो कोई खराब होता नहीं, लाके वो पकता रहेगा। अगर कच्चे भी लेके आएंगे तो धीरे धीरे पकता रहेगा। ये हड्डियों के लिए ज्यादा जरूरी है, अच्छा है। और दूसरा कि इसमें हम चीनी का नहीं, इसमें गुड़ का प्रयोग करते हैं, इसलिए गुड़ भी बहुत अच्छा होता है तबीयत के लिए। वैसे चीनी भी डाल सकते हैं। हाँ, चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ की जो टेस्ट है इसमें बहुत अच्छी आती है। अच्छा जी। अभी इसलिए भून रहे क्योंकि उसके अंदर जो पानी रहता है, भूनने के बाद पानी सूख जाएगा, सूख जाता है। अच्छा, आपने आटा इसीलिए लिया है कि आपने जो बोला पेठे की पूरी, पूरी, अच्छा। अभी इसके अंदर जब भून जाएगा तो हम इसमें एक कटोरी आटा डालेंगे। अच्छा, मैंने सोचा आटे को गूंद के वो भर के डालेंगे। जी 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 जी। उसके पहले जो गुड़ रखा हुआ है जी, हम गुड़ को डालेंगे ताकि जब उसका पानी छूट जाएगा फिर आटा उतनी मात्रा में डालेंगे जो पूरी बन जाए जी, उतना आटा हम डालेंगे। वैसे ये कहाँ का फेमस है? ये वैसे मेरे ख्याल से यूपी के अंदर भी बनता है, महाराष्ट्र में भी बनता है। अच्छा, तो काफी स्टेट में, क्योंकि पेठा तो सब जगह मिलता ही है, काशी पर सब जगह मिलता है, तो साउथ में भी बनता है, कर्नाटक में उस साइड में भी इस चीज को बनाते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसा होता है रेसिपी बना लेते हैं लेकिन उनको उसका नाम नहीं पता होता है। हाँ। और वो इत्तेफाक से नहीं, अक्सर वो बार बार बनाते हैं, वो टेस्टी भी बनती है। अभी आप देख रहे हैं कि घी में उसको हम अच्छी तरह से भून रहे हैं जी। उसका रंग भी चेंज हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जी, जी, जी। फिर हमने यहाँ साइड में तेल रखा हुआ है जी, तो इसको हम धीमी आग पर चालू कर लेते हैं जी, क्योंकि बाद में इसको हम तलेंगे। और दूसरी बात एक बतानी है कि पेठा मीठा होता है इसलिए इसमें गुड़ इतना अधिक भी ना हो जो बहुत मीठा हो जाए, इसलिए यह इसका जो अपन प्रमाण दिया हुआ है। वैसे इसकी सब्जी भी बनती है। हाँ, इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। अगर इसकी सब्जी आप कच्चे पेठे की बनाएंगे छिलके से, छिलके के साथ, हाँ, पेठा जो कच्चा होता है, मतलब ज्यादा पका नहीं, हरा 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 जो होता है, उसकी सब्जी बहुत अधिक टेस्टी लगती है। अभी एक होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे कई आइटम ऐसे होते हैं कि पूड़ी बना के तलते हैं और फिर उसको चाशनी में निकालते हैं। अच्छा, ऐसा भी है। तो लेकिन इसका जो है कि इसके अंदर जब हम आटा बनाएंगे तो आटे में ही मिठास है, इसको इसको तलने के बाद डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। अच्छा अच्छा। अभी आप लोग देख रहे सभी कि गुड़ पूरी तरह से अभी ये घुल गया है, और फिर इसके बाद हम धीरे धीरे आटा डालेंगे।
वैसे जहां तक लगता है कि मुझे ये नई रेसिपी अभी तक तो नई ही लग रही है, नई है। और दूसरा ये है कि अगर आप कोई ट्रैवलिंग में जाते हैं तो इसको बना के लेके जा सकते हैं, ये खराब नहीं होती है, 4-5 दिन आराम से आप इसको लेके जा सकते हैं। अच्छा, मतलब ये खराब नहीं होता 3-4 दिन के लिए आराम, 3-4 दिन आप कहीं लंबे ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो इसको बनाकर लेके जा सकते हैं ताकि उसके गोले ना हो जाए। अच्छा, मतलब वो हार्ड हो जाता है अंदर। हाँ जी, गोले टाइप में बन जाता है आटा। मतलब एक साथ नहीं डालना है आटा, धीरे धीरे डालना है ताकि उसमें मिक्स भी हो जाएगा। आप थोड़ा पकड़िए जी, बिल्कुल, और इसको डालिए। डाल दीजिए, पूरा डाल दीजिए। ये भी अभी हम देख रहे हैं कि अगर अभी थोड़ा सा और डालना पड़ेगा जी। क्योंकि मैंने कहा ना कि पूरी बनने तक, जैसे पूरी बने ऐसा हम आटा को बनाएंगे। अभी गैस हम बंद कर सकते हैं जी। अभी थोड़ा सा और डाल देना जी, हल्का सा। मतलब मैक्सिमम कहा जाए 2 कटोरी के लिए 1.5 कटोरी या हाँ 1.5 कटोरी से थोड़ा सा कम कम हम आटा डाल सकते हैं। अभी ये आपने देखा एकदम बिल्कुल चेंज हो गया। हाँ बिल्कुल ये चेंज हो गया, लेकिन इसके वो गोले अभी हम इसको एक थाली में बनाएंगे। थोड़ा सा और हम हल्का आटा डाल देते, थोड़ा सा टाइट हो जाए जरूर, फिर इसको एक थाली में भी निकालेंगे। तो जैसे आपने कहा लगभग 1.5 कटोरी इतना आटा हो जाएगा जी। अगर इससे इस झारे से अगर मिक्स नहीं होता है तो थोड़ा हम रसोई में अपने पास ये जो मैश करने का होता है जी, इसको भी हम रख सकते हैं ताकि इसको अच्छी तरह से हम मिला पाए आटे को। ये आपने देखा, देख रहे हैं आप, मतलब हम इसको कढ़ाई में ही मैश कर सकते हैं, अच्छी तरह से मैश करके फिर उसमें निकालेंगे। अभी ये देख रहे हैं आप, एक बढ़िया मैश हो गया है। अभी हम इसको निकाल लेंगे। वाओ, कहाँ इसको पहले हमने घी में फ्राई किया था, वो जो पेटा है आपका, फिर इसमें गुड़ डाला, कहाँ पूरा रसीलेदार एक रेशा उसका बन रहा था, फिर इसमें आटा डाल के, आप खुद ही देख रहे हैं। अभी इसको हम लोगों ने देखा कि अच्छी तरह से मैश हो गया है। अभी हम इसकी पूड़ी बनाएंगे। तेल ज़्यादा नहीं, आधी कढ़ाई से कम आप रख सकते तलने के लिए जी। अभी इसका जो बनाने की जो प्रोसीजर है आप भी इसको बना सकते, ट्राई कर सकते जरूर, जरूर, जरूर। क्योंकि विशेष बहनों की रोटी बनाने की प्रैक्टिस होती जी, है जरूर। तो ये जो आटा है इसके लिए साथ में थोड़ा आटा लेना है लगाने के लिए। अभी ये आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ा सा ये गर्म है तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं हम जी। हम इसमें एक चीज डालना भूल गए, तो इलायची थोड़ी सी हमें, ये तो हम ऊपर से भी उसके टेस्ट के लिए डाल सकते हैं, ऊपर से डालते हैं तो निकालने के पहले हम इसको डाल सकते हैं जी। फिर इसको हम मिला देंगे, बनने के बाद ही इलायची हम इसमें डालते हैं, कढ़ाई में निकालने के पहले ही डालें तो भी अच्छा है जी। जैसे अभी देख रहे आपने मिक्स हो गया पूरा, पूरा आटे की तरह। अब ये आटा जैसा रोटी का आप आटा बनाते इस तरह ये हो गया है। और ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल टाइट हो जाएगा जी। अभी हम क्या करेंगे, ये जो रोटी जैसे बनाते इस तरह से पहले जी, ये आप देख रहे हैं इतना सा हम गोला ले लेंगे अपने हिसाब से, इसको ज़्यादा बड़ी भी नहीं और छोटी भी नहीं, तो मीडियम हम ये पूरी बनाएंगे जी जी। अभी आप इसको बेल सकते हैं,
जैसे ही टेढ़ा मेढ़ा होगा तो चलेगा ना? हाँ नहीं, गोल करेंगे तो अच्छे, जैसे पूरी बनती है पूरी की तरह, इसका नाम ही पूरी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन आप प्लीज उसमें नुक्स नहीं निकालना। हाँ बहुत बढ़िया बना दिया आपने, थैंक यू। बस इतना छोटा चलेगा? हाँ चलेगा, बहुत बढ़िया। और भी बना सकते, तेल गरम हो जाए तब तक। बिल्कुल, हम बना के भले आ रखे, उसको जब गरम हो जाए तो हम डाल देंगे। कॉपी पेन लेना ना भूलें और वो रेसिपी लिखना शुरू करें। हम इसको डिप कर सकते हैं इसमें? हाँ जी, इसमें भी डाल सकते हैं। अभी जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो हम इसको तलने के लिए डालेंगे। वैसे काफी समय लगता है इसको बनाने में? नहीं ज्यादा टाइम नहीं लगा, वैसे बहुत जल्दी जल्दी हो गया, बस तलने का भी रह गया, तलने के बाद डिस्टायर हो गए। क्योंकि खाने वाला अक्सर यही सोचेगा कि जल्दी जल्दी बने, मुझ जैसा नहीं। अगर ये आप बना के रख सकते हैं जी, तो फिर तेल ही रखना होता है, तो जल्दी भी बन सकती है। नहीं सरसों की नहीं, इसमें रिफाइन तेल अगर या मूंगफली का या तिल अच्छा। का अगर तेल डालेंगे जी जी, या क्योंकि देख रहे हैं कि हम इसको अभी तेल गर्म हो गए है तलने के लिए डाल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि पूरी अभी फूल के ऊपर आ जाएगी। हाँ सरसों का जो तेल है या तिल का घानी का जो तेल है आप भोजन में यूज कर सकते हैं, लेकिन तलने के लिए जो रिफाइन तेल ही ज़्यादा मेजोरिटी यूज करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सरसों या तिल का घानी का तेल यूज करेंगे तलने के लिए, तो उसकी जो खुशबू है वो अलग आ जाती है। अच्छा हाँ जी, अभी आप देख रहे हैं कि इसको हम ब्राउन कलर करेंगे। वैसे इसी टाइप में एक और रोटी होती है, उसको कोकी कोकी टाइप में। हाँ वो एक दिन बनाएंगे, कोकी जो वो अलग है, उसको सेकना होता है, उसको तलते नहीं है। अच्छा हाँ, एक होती है मीठी कोकी, एक होती है नमकीन कोकी जी। हाँ वो भी हम लोग क्रमशः आप लोगों को बना के दिखाएंगे जी, पर वो काफी थोड़ी यानी उसमें सॉफ्ट करने के लिए अंदर आटे में मलाई डालना होता है। अच्छा, अगर हम तेल डालेंगे तो कड़क हो जाएगी, मलाई डालेंगे तो वो सॉफ्ट रहेगी जी। अभी जैसे जैसा थोड़ा सा तेल ठंडा था, अगर गर्म हो तो इतने में वो निकल जाती जी, जी। हमने पहले ट्राई किया है जी, इसमें पहला अगर तेल गर्म करके रखते हैं तो बेलते ही तुरंत फटाफट हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये बेलने में टाइम नहीं लगता है। आप भी एक दूसरे के साथ मदद करेंगे तो इतनी अच्छी डिश आपको कहाँ मिलेगी। बनाइए बनाइए, थोड़ी सी मदद कीजिए एक दूसरे की, बैठ के थोड़ी होता है, बनाना पड़ता है। अच्छा ये डिश भी आपने यहीं पर ही सीखा? हाँ ये यही विशेष है ना, ये जो डिश है जी, तो ये दादियों को हमने देखा कि पेठे को और आलू ऐसा है कि जो जल्दी खराब नहीं होता है जी, तो दादी हमेशा कहती थी कि ये पूरी अगर बना के रखेंगे इमरजेंसी में जी, कोई सब्जी आपके घर में नहीं होती है तो बच्चों को भी आप भी मीठी डिश दे सकते हैं। और कई सब्जियां नहीं मिलती, ये तो खराब होता नहीं है जी, कई दिन तक आप इसको घर में रख सकते हैं, तो इसीलिए ये बहुत अच्छी मतलब डिश है। वैसे ही मैं ठीक बना रही हूँ? हाँ बहुत अच्छा है, धन्यवाद। अभी आप देख रहे जैसा गर्म तेल हो जाएगा वो फटाफट हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं पेठी की पूरी, और जब इसको आप टेस्ट करेंगे तो ये बहुत ही आपको टेस्टी लगेगी। अभी तेल गर्म हो गया, और भी आप डाल सकते हैं जी, पहले तेल गर्म नहीं था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया उसको जी। ये आप देख रहे हैं पूरी इस तरह का कलर होना चाहिए, ज्यादा ये भी ना, ये ठंडा होने के बाद विशेष बाद में कड़क हो जाती है, कड़क हो जाती है जी। तो ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ी टूट गई, ये नहीं लेना उसमें, इसको अलग रख देते। तो ये डिश है आप देख रहे हैं इस तरह, ये
पेठी, या भी गरम गरम है, जब ये ठंडा हो जाएगी तो ये ऐसा ही टेस्ट कर सकते हैं, समझ की जरूरत क्या नहीं। देख रहे हो यार, कितनी बार बोला है, हिलो थोड़ा सा। कैसा लग रहा है, ज्यादा मीठा है? ठीक ठीक है, एकदम परफेक्ट। अच्छे, बहुत इस तरह आपने देखा टेस्टी है। जैसे कि भाई जी ने बोला कि इसको हम थोड़ी देर बाद तक रखेंगे तो ये अपने आप करारी हो जाएगी। अभी हमने जैसे इसको निकाला है, थोड़ा सा नरम है, बाद में ये कुरकुरी टाइप में हो मतलब सकते हैं। इतना कुरकुरी नहीं होगी, नरम ही रहेगी, लेकिन खराब भी नहीं होती क्योंकि हमने उसको तल लिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसको 3-4 दिन के लिए कहीं सफर में भी ले जा सकते हैं, वो खराब नहीं होती जी, क्योंकि इसमें और कुछ चीज है नहीं, सिर्फ पेठा है, गुड़ है, आटा है जी, मतलब खराब होने की वाली कोई ऐसी इसमें चीज है जी, नहीं जी, जी। और इसको पेठे को हमने अच्छी तरह से भून लिया है घी में, और इसको आटे को और भी आपको अलग अगर कड़क चाहिए तो थोड़ा सा आटा और डाल के कड़क कर सकते हैं, तो थोड़ी सी करारी हो जाएगी। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी डिश है, अच्छी है, और मेरे को काफी अच्छी लगी कि जिस तरह से हम अलग अलग तरह के मीठा बनाते हैं, वो मीठा भी ऐसा होता है कि कुछ समय के बाद भी उसमें वो फफूंदी टाइप से आने लग जाती है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है आप इसको 3-4 दिन के लिए आराम से रख सकते हैं। भाई जी, आप अन्नपूर्णा रसोई में आते हैं और हमेशा ऐसे आते रहिए, और अलग अलग तरह की रेसिपी हमारे दर्शकों को बनाकर खिलाते रहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक ये सब रेसिपी बनाते भी हैं, खाते भी हैं और परिवार वालों को खिलाते भी हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों, आज हमने सीखा पेठे की पूरी। पहली बार मैंने ये सुना कि पेठे की पूरी, हो सकता है आपने भी सुना हो, आपने बनाया भी हो, लेकिन टेस्टी है बहुत। आप अपने घर में बनाइए, परिवार को भी खिलाइए, हो सकता है अगल बगल के पड़ोसियों को भी बनाकर खिलाइए। ऐसे क्या देख रहे हो, जल्दी से पेन उठाइए और रेसिपी लिखिए, साथ ही कितनी मात्रा में वो भी आपको याद होना चाहिए। अगली कड़ी में नई रेसिपी के साथ, नई मेहमान के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, ओम शांति।